एक ऐसी मिठाई बताइए जो हर नानी के हर दादी के प्यार का इजहार होता है। बताइए बताइए, मैं बताऊं? बेसन के लड्डू। तो जब बच्चे हॉस्टल जा रहे हों या नौकरी करने किसी दूसरे शहर जा रहे हों या नानी या दादी के घर छुट्टियां मनाने आ रहे हों या वापस जा रहे हों, तो ज़रूर जाता है साथ में एक डिब्बा बेसन के लड्डू। घंटों बैठकर वो बड़े प्यार से बेसन को भूनती हैं और फिर उसके लड्डू बनाती हैं। लेकिन आज वो घंटों के काम को 10 मिनट में कैसे करना है ना, ये सिखाऊंगी। बेसन के लड्डू बनाएंगे, वो भी बेसन बिना भुने, वही भुने हुए बेसन के स्वाद के साथ। बोनस में एक और बेसन की मिठाई सिखाऊंगी आपको, वो भी बिना बेसन भुने, बिना चाशनी पकाए, बेसन की बर्फी, और दोनों के दोनों 10 मिनट में तैयार। तो चलिए करते हैं ना घंटों के काम को आसान। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। तो जैसे आपसे प्रॉमिस किया था, आपको सिखाने जा रही हूँ मैं आज कि कैसे आप बना सकते हैं बेसन के लड्डू, वो भी बिना बेसन को भुने। अब बिना बेसन भुने ये लड्डू भाई कैसे बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे जनाब, और वो भी भुने हुए चने के साथ। जी हाँ, सही सुना आपने, ये बनने जा रहे हैं भुने हुए चने के साथ। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए कि बेसन काहे से बनता है? बेसन बनता है चने की दाल से, है ना? और चने की दाल काहे से बनती है? काले चने से। और ये क्या है? भुना हुआ चना। तो यानी कि इसमें वो भुने हुए चने का, यानी कि भुने हुए चने की दाल का स्वाद, यानी कि बेसन का स्वाद ऑलरेडी मौजूद है। तो ये जो भुना हुआ चना है, ये बनेगा हमारा बेस और द बेसन का लड्डू। तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि इसमें चेक कर लेंगे कि कहीं कोई छिलके तो नहीं है। अगर किसी भी चने में छिलके हों तो उसमें से छिलके हम हटा देंगे। तो मेरे पास है यहाँ पर आधा किलो भुना हुआ चना। अब इसे मैं मिक्सी में पीस लूँगी और इसका एक फाइन पाउडर बना लूँगी। चाहें तो इसे आधा आधा करके पीस लीजिए, नहीं तो इकट्ठा भी, अगर आपकी मिक्सी का साइज़ बड़ा है तो इकट्ठा भी पीस जाएगा ये आसानी से। पहले इसे पीस लिया जाए। तो पहला लॉट तो मैंने पीस लिया, अब इसे छन्नी से छान करके मैं निकाल लेती हूँ। तो इसे छान लेंगे ताकि अगर गलती से भी इसमें कोई चना पिसा ना हो या फिर कुछ लंप रह गया हो तो वो छन के बाहर हो जाए और मेरे पास एक फाइन बेसन रेडी हो जाए। अच्छा, इस बेसन की खासियत क्या है? ये भुना बेसन है, यानी कि ऑलरेडी भुना हुआ है। सो आई विल नॉट हैव टू रोस्ट दिस फॉर आवर्स एंड आवर्स, यानी कि घंटों तक वो भूनने का काम मुझे बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, बस सिर्फ अभी इसे छान लेना पड़ेगा। तो ये जो इसमें हल्के से ग्रेनी से पार्टिकल्स रह गए हैं, थोड़े से छिलके रह गए हैं, इन्हें डिस्कार्ड कर देंगे और बाकी का जो चना है उसे पीस लेंगे। तो अब ये सेकेंड लॉट ऑफ चना, इसको भी छान लेते हैं। अब भाई बेसन के लड्डू बनेंगे तो कढ़ाई तो चढ़ेगी ना, लेकिन ये बेसन भूनने के लिए नहीं है, ये केवल घी को गर्म करने के लिए है ताकि हमारे बेसन के लड्डू हम आसानी से बांध पाएँ। तो आधा किलो अगर मैंने लिया था यहाँ पर अपना भुना चना, तो इसके लिए कितने घी की ज़रूरत पड़ेगी मुझे? आप नोटिस करेंगे कि इसमें आपको घी की ज़रूरत कम पड़ेगी। अब घी को थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे, फिर इसमें ये अपना भुना हुआ बेसन मिलाएंगे और बस केवल एक आध मिनट के लिए चला लेंगे ताकि बेसन जो है ना वो भी गर्म हो जाए। ऐसा करने से जब हम इसमें चीनी डालेंगे ना, तब हमारे लिए लड्डुओं को बांधना बहुत आसान हो जाएगा। बस इतना, घंटों भूनना नहीं है, केवल एक या दो मिनट के लिए इसे गर्म कर लेना है। तो जब तक घी होता है गर्म, आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। भाई नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ना, देखिए कितनी आसानी से आपके घंटों के काम को चुटकियों में करवा देती हूँ। और हाँ, याद है ना आपको, अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि बेसन के लड्डू और बेसन की बर्फी बनाने का ये तरीका आपको कितना पसंद आया। तो घी तो हो चुका है गर्म, अब इसमें मिला देती हूँ मैं अपना भुना वाला बेसन, यानी कि ये। तो मकसद ये है कि ये अच्छे से गर्म हो जाए, बस भुनना हमारा मकसद यहाँ बिल्कुल नहीं है। और आप ये नोटिस करेंगे कि तो ये जितना घी है, देखिए बेसन ने अब्सॉर्ब कर लिया है। और अगर यहाँ कुछ ऐसा सूखा रह जाए और घी डालने की ज़रूरत पड़े, तो आप टेबल स्पून बाय टेबल स्पून इसमें थोड़ा सा घी और मिला सकते हैं।
इस बेसन को मैं अपनी थाली में यहाँ पर निकाल ले रही हूँ, लेकिन सारा नहीं निकाल रही, आधा निकाल रही हूँ केवल लड्डू के लिए। बर्फी वाला जो बेसन है ना, वो मैं कढ़ाई में ही रहने दूंगी। तो ये आधा बेसन यानी कि चना जो है मैंने निकाल लिया अपनी थाली पे, और अब इसमें मिलाऊंगी मैं पिसी हुई चीनी। अच्छा, आप चाहें तो बूरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं पिसी हुई चीनी इस्तेमाल करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, फॉर द सिंपल रीज़न कि पिसी हुई चीनी इसमें आसानी से पानी छोड़ देती है, जिसकी वजह से इसे बांधना ईजी हो जाता है। पिसी हुई चीनी को भी इस पर मैं छान कर ही मिलाऊंगी, ताकि इसमें भी कोई कहीं लम्स ना रह जाए। तो इधर पिसी हुई चीनी छान ली जाए, अब इसे मिक्स कर लीजिए। और इसके लिए ध्यान इस बात का देना है कि आपका जो बेसन है वो गर्म होना चाहिए, नहीं तो आपके लड्डू बिल्कुल बनेंगे नहीं। तो इसीलिए मैंने उसे कढ़ाई में डाल के गर्म किया था। भूनने की जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल ज़रूरत नहीं, केवल गर्म करने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, इसमें चाहें तो थोड़ा सा इलायची पाउडर भी आप मिला सकते हैं। नाउ दिस इज़ एंटायरली ऑप्शनल, बहुत लोग मिलाते हैं, बहुत लोग नहीं भी मिलाते। तो एक टीस्पून इसमें इलायची पाउडर मिलाइए और इसको मिक्स कर दीजिए, और अब हम तैयार हैं अपने लड्डू बांधने के लिए। और अब लड्डू बना बना कर यहाँ पर रखते जाते हैं। आप नोटिस करेंगे इसके लड्डू बांधना भी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जहाँ ये थोड़ा ठंडा होने लग जाए ना, अगर आपके पास माइक्रोवेव हो तो 10-15 सेकंड के लिए इसे फिर से एक बार आप गर्म कर लीजिएगा। ऐसा करने से जानते क्या होगा, चीनी फिर से थोड़ी सी हल्की सी पिघल जाएगी और लड्डू बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये बेसन के लड्डू डन, अब बारी है बेसन की बर्फी की। तो देखा आपने कितने बढ़िया लड्डू बन गए। अब बताइए, इन्हें देख के कोई कहेगा क्या कि ये बेसन के लड्डू बिना बेसन को भुने बने हैं? यकीन मानिए, टेस्ट करने के बाद भी कोई नहीं कहेगा। तो बेसन की बर्फी बनाने के लिए वापस से कढ़ाई को मैं चढ़ाती हूँ गैस पर। अब बेसन की बर्फी बनानी है, और वो भी बिना चाशनी के। तो चाशनी तो नहीं बनेगी, लेकिन हाँ, जिस कढ़ाई में मैंने अपना बेसन और अपना घी भुना है ना, उसी कढ़ाई में मैं डाल दूंगी थोड़ा सा चीनी भी। वंस अगेन चीनी को छान कर, ताकि इसमें कहीं कोई लम्स नहीं पड़े। तो अब मेरे पास कितना चना बचा यहाँ पर? मेरे पास बचा पाव भर चना, और इस पाव भर चने में मैं पाव भर चीनी भी मिलाऊंगी। तो चीनी डालने के बाद हम इसे चलाते रहेंगे, और होगा क्या, गर्म होने की वजह से चीनी जो है वो पानी छोड़ना शुरू कर देगी, और जब वो पानी छोड़ेगी ना, तो ये जो बेसन है वो बंधना शुरू हो जाएगा, इकट्ठा आना शुरू हो जाएगा, जैसे कि बर्फी में होता है। तो देखिए, अब चीनी ने कैसे पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, और साथ ही साथ ये इकट्ठा होना शुरू हो रहा है। अगर आपको लगे कि आपका जो मिक्सचर है बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है और चीनी पानी नहीं छोड़ रही है, तो क्या किया जाए? तो सारे बेसन को आप साइड्स की तरफ पुश कर दीजिए ऐसे, और इसके बीच में मैं ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून चीनी, और ऐड करूँगी इसमें केवल 2 टेबलस्पून पानी। तो ये पानी क्या करेगा, चीनी को पिघलने में थोड़ी सी मदद करेगा। इसे चला लीजिए केवल बीच की चीनी और पानी को, ताकि वो थोड़ा सा साथ में पक जाए और पानी का कच्चा स्वाद ना रहे। ये पानी और चीनी साथ में पकने से एक हल्का सा उसमें मिठास भी आ जाए। अब क्या करेंगे, पूरे बेसन के साथ इस पानी को मिला देंगे। जब ये थोड़ा सा पक जाएगा ऐसे, देखिए पानी डालते ही बाकी की चीनी भी कितनी जल्दी पानी छोड़ना शुरू कर देगी। आप नोटिस करेंगे कि ये जो बेसन है, ये देखिए ऐसे फटने भी लग गया है। ये एक्चुअली चीनी है जो अब पक रही है और वापस से एक बार क्रिस्टलाइज हो रही है। एंड वंस इट स्टार्ट्स कमिंग टुगेदर लाइक अ बॉल, गैस को कर दीजिए बंद। और अब एक थाली पर मैंने यहाँ कट करके रख लिया है ये बटर पेपर। तो ये बटर पेपर मैं पहले इस पर लगा देती हूँ, और अब ये बटर पेपर को ग्रीस कर लेते हैं थोड़े से ऑयल के साथ। इसे हाथ से फैला दीजिए, या आप चाहें तो ब्रश से भी लगा सकते हैं, दिस वे। अब इसे हम अपनी थाली में निकाल लेंगे। इसे निकालने के बाद पहले चम्मच के ऊपर से भी निकाल देते हैं लाइक दिस। चारों तरफ से ये बटर पेपर को पकड़ के मैं इसके ऊपर ऐसे डाप कर दूँगी। काफ़ी गर्म होगा, ये चीनी है ना, चाशनी तो गर्म होती है। इसे ऊपर से थोड़ा सा फ्लैटन आउट कर लीजिए,
जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ना, ये अच्छे से जम जाएगा। इसीलिए इसको फ्लैट करने का काम, इसको इकट्ठे करने का काम, शेप में लाने का काम सारा इकट्ठा होना है। और हाँ, इसको गार्निश करने के लिए आप चाहें तो इसके ऊपर बारीक कटे हुए मेवे भी डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बारीक कटा हुआ पिस्ता बहुत इसके ऊपर देखने में भी खूबसूरत लगता है और खाने में भी। और अब क्या करेंगे, इसे अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे और फिर पीसेस में कट करके बर्फ़ी को निकाल लेंगे। अब ये देखिए, बर्फ़ी हो चुकी है ठंडी। अब इसका टेक्सचर पहले देखिए कितना खूबसूरत आया। अब इसे पीसेस में कट कर लिया जाए। तो मैं ऐसा करती हूँ, इसे पलट देती हूँ और इसके ऊपर रख के अब बर्फ़ी मेरी आसानी से कट जाएगी। पहले साइड्स को ट्रिम कर लीजिए। बर्फ़ी को आप चाहें तो स्क्वायर्स में, डायमंड शेप में, जैसा अच्छा लगे उस शेप में कट कर लीजिए। एंड नाउ लुक एट द टेक्सचर ऑफ दिस बर्फ़ी, कितनी बढ़िया ये बर्फ़ी जम गई है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लिया जाए। अब देखिए, हो गई ना रेडी 10 मिनट में बिना बेसन भुने। बेसन के लड्डू भी रेडी और इसी के साथ साथ बेसन की बर्फी भी। हाँ, इसके लिए हमें कोई चाशनी भी अलग से पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कर लिया ना, घंटों का काम मिनटों में